नमस्कार। टेरा एग्रो बायोटेक की टीम मानसिंहपुरा गांव में पहुंची है, जिला जयपुर में टीकम जी के खेत में। ये इनके पिताजी हैं नानसी राम जी। यहाँ इस खेत में टीकम जी ने ग्वार की फसल लगा रखी थी और ये जो ग्वार खड़ा है आप देख रहे हो, इस साइड में भी ग्वार की फसल थी। जो खाली खेत देख रहे हैं तो इस ग्वार की खेती की तो जुताई कर दी गई है। नानसी राम जी, क्यों जुताई कर दी उसकी? ये मटरा के लिए। मटर के लिए? नहीं तो फिर ग्वार तो बड़ा बड़ा था ना, तो कारण क्या हुआ? थोड़ी गुनाई जी। तो ये जो ग्वार है आपके, इसकी क्यों नहीं जुताई की? ये की तो दवाया दिया जाते। अच्छा, बायोसाइट दानेदार जो खाद दिया था। जैसे टीकम जी से पहली बात हुई थी कि इस एरिया में जहाँ पे पहले ग्वार छोटा था तो इसमें बायोसाइट दानेदार टेरा एग्रो बायोटेक का दिया गया था, जिसकी वजह से इसकी बढ़वा ठीक हो गई और फलियाँ वगैरह बढ़िया बन गई थी इसकी, ये जो आप देख रहे हैं। तो इस वजह से आपने इसकी जुताई नहीं की, पर उसकी जुताई कर दी तो उसमें फलियां वगैरह नहीं आई थी। नहीं। तो ये टेरा बायोसर्ट का रिजल्ट बढ़िया लगा आपको? संतुष्ट हो आपके इस रिजल्ट से? संतुष्ट इसमें तो सही। हाँ जी, इसी में तो डाला था ना, तो इससे संतुष्ट हो आप? रिजल्ट कैसा लगा आपको इसका, बायोसर्ट का? समझे बोल। कैसा रिजल्ट लगा आपको उसका, फायदा कैसा लगा इसको? पहले तो ये बिल्कुल ही कमजोर थे, खूब बढ़िया अब बढ़िया हो गया है, फलियां वगैरह लग गई है उससे। बहुत बहुत धन्यवाद।